बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम है मेरा ख्याल और मैं हूँ आपकी होस्ट फरीहा। सियासत, रियासत, अदलिया, हकूमत, कानून, ये सब इंस्टीट्यूशंस अवाम के हकूक के तहफ्फुज़ के लिए हैं। अगर इतने इदारे तहफ्फुज़ के लिए हैं तो फिर वो कौन लोग हैं जो अवाम के हकूक गसब कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो फिर कहाँ हैं वो लोग जिन्होंने अवाम के हकूक के तहफ्फुज़ की हिफाजत का हलफ उठाया है? असल जिम्मेदार कौन है? क्या हकूमत? अगर हकूमत है तो कौन सी हकूमत? फॉर्मर गवर्नमेंट, करंट गवर्नमेंट या फिर फ्यूचर गवर्नमेंट? क्योंकि हम मशहूर हैं अपने आज का सारा इल्जाम अपने कल पे डालने पे। या फिर वो पार्लियामेंट जो सिर्फ आजकल से शख्सियात की अक्कास है। बात इतनी सी है कि जैनब हो या असमा या नकीबुल्ला, इंसाफ मिलना बहुत मुश्किल है। इसका जिम्मेदार कौन है? ये है वो पॉइंट जिस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है मेरे साथी एंकर सैयद कौसर अब्बास साहब और रॉयल न्यूज के ब्यूरो चीफ मियाँ यासीन। खुश आमदीन। जैनब के जो कातिल है वो तो पकड़ा गया है और काफ़ी ज़्यादा पुलिस ने दावा भी किया है कि हमने उसको पकड़ लिया है और ये सेम बंदा है और जो भी है, लेकिन ये वाकयात रुके नहीं हैं। अभी जो वाकया हुआ फैसलाबाद में भी हुआ है, फिर धमियाल में एक 15 साल का बच्चा है हामिद सईद, उसके साथ भी ज्यादती हुई। और ये वो हलका है जो कि हमारे फॉर्मर जो मिनिस्टर हैं चौधरी निसार, उनका हलका है और वो इसके इल्जाम भी खैर पीटीआई के एक मेंबर पे लगा रहे हैं और सारा कुछ है। लेकिन ये बात ये है कि असल जो एक मेन ऑब्जेक्टिव है कि ये वाकयात रुक नहीं रहे हैं, तो क्या जैनब के कातिलों को ऐसी जो है सजा मिलनी चाहिए कि बाकी लोगों के लिए एक सबक हो कि आइंदा ऐसा ना हो? देखें, ये वाकया तो तब रुकेंगे ना अगर पुलिस इसके ऊपर थोड़ी सी वर्कआउट करे। अब देखें ना, अभी जो वर्किंग जो जितनी भी की है इतने दिनों से इन्होंने जो अभी जिसको वो पकड़ा है कातिल को, दो दफा उसको पकड़ा है, पहले दो दफा पकड़ के उसको छोड़ दिया। उसने बेस बदला हुआ था, यानी कि पहले दाढ़ी थी, दाढ़ी उसने मनवा ली, उसके बाद फिर मोहल्ले वालों ने उसके ऊपर निगाह रखी है कि ये मशकूक है, दो तीन दफा इसने अपना हुलिया चेंज किया है, क्यों किया है, बार बार मोहल्ले में आ रहा है, फिर वहीं पर रह रहा है और अपना हुलिया चेंज कर रहा है। उन्होंने दोबारा जाके उनको बताया है, पुलिस वालों को उन्होंने गिरफ्तार किया है। उसके बाद उन्होंने दोबारा कल ही उन्होंने मेरा ख्याल एक दो दिन के अंदर अंदर इसका DNA करवाया है, तो अभी साबित हो गया कि वही बंदा है। अंदाजा करें कि उनके पास ही फिर रहा था इतने दिनों से। अच्छा, उनको जो वीडियो मुहैया की गई वो भी पुलिस वालों ने, उनको मोहल्ले वालों ने की। ठीक है, सारी चीजें जो सबूत थे वो भी मोहल्ले वालों ने दिए, तो इतना टाइम लग ही नहीं सकता था, लगना ही नहीं था अगर इसके ऊपर तवज्जो दी जाती तो। देखिए, ये सारी चीजें जो होती है ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, पुलिस की जिम्मेदारी होती है। इतना टाइम इन्होंने क्यों लगाया, आई डोंट नो क्या वजह थी। इस वजह से काम भी मोहल्ले वालों ने किया, 600 बंदों का DNA करवाया। आप अंदाजा करें कि पहले दिन से वो बंदा मूवी के अंदर आ रहा है, पहले दिन से उसको एक दफा पकड़ा गया है, अपनी हमारी इतनी इंटेलिजेंस तो तेज होनी चाहिए बीच में कि जो लोगों के ऊपर डिपेंड ना करे, लेकिन इतनी इंटेलिजेंस तो तेज होनी चाहिए कि उसको पहले दिन इन्होंने पकड़ा था, क्यों छोड़ा भाई? अब अंदाजा करें कि अगर वो वहां से भी गायब हो जाता, मैं वही बार बार कह रहा था कि उसकी बेवकूफी है जो पकड़ा गया। को आप स्क्रीन के ऊपर दिखा रहे हैं, दाढ़ी वाला है, इनके पहनी हुई है, 5 फुट 10 इंच उसका कद है और बार बार उसको दिखा रहे हैं, उसकी बेवकूफी है कि वो वहां वापस दोबारा आ रहा था और वो पकड़ा गया है, वरना उसने किधर पकड़ा जाना। देखें, दूसरी साइड पे ये देखें कि ये वाकया तो रुक नहीं रहे। जो एक असल बात है, कसूर में ये वाकया हुआ जैनब वाला, इससे पहले कसूर में हुआ, जतोई में हुआ, फैसलाबाद में हुआ, दीपालपुर में हुआ जी, और आज से दो दिन पहले 15 साल बच्चा जो एक था हाफिज कुरान था गालिबन, उसके साथ रावलपिंडी धमियाल के इलाके में ये वाकया हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है हुकूमत की, कि इसका मतलब है कि हुकूमत को सिर्फ अब शायद ज्यादा फोकस सिर्फ उनका कसूर पे है, कसूर में अभी चले चंद दिन हो गए हैं, ये वाकयात रुके हुए हैं, लेकिन बहुत सारी और जगहों पे इस तरह के वाकयात जो है वो अब शुरू हो चुके हैं पंजाब के बहुत सारे जिलों में। मुझे कल रात को किसी खातून की कॉल आई और उन्होंने भी मुझे बताया कि मेरे बेटे के साथ, वो फैसलाबाद की खातून थी, उन्होंने मुझे बताया कि मेरे बेटे के साथ कुछ तरह का वाकया हुआ और जिसपे वो जो जिसने भी ये वाकया हरकत की है उसने कुछ वीडियोस भी बनाई है मेरे बेटे की, और मेरे बच्चे के अलावा बहुत सारे और बच्चे हैं जिनकी वीडियोस बनाई है। ये सेम केस जो कसूर वाला है वही फैसलाबाद में भी कोई एक ग्रुप बैठा हुआ है, तो इस तरह का वाकया हुआ तो उन्होंने मुझसे रابطہ किया, हम उसको थोड़ा इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं और डेफिनेटली हम उस पर भी बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो जो असल लोग हैं उनको सामने लाया जाए और उस पर बात की जाए। तो कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ एक जगह पे नहीं है, फैसलाबाद राणा सनाउल्ला साहब का हलका है, लॉ मिनिस्टर साहब वहां से इलेक्शन लड़ते हैं, आपके आबिद शेर अली साहब वहां से इलेक्शन लड़ते हैं, आप अपने जिले को अभी तक सिक्योर नहीं कर सके। इसी तरह आप जो रावलपिंडी में ये वाकया हुआ है, जो निसार अली खान का हलका है भाई वो, ठीक है, चौधरी साहब खुद लॉ इंटीरियर मिनिस्टर रहे लेकिन अभी तक भी उनका पुलिस का निजाम ठीक नहीं हो सका, तो जो एक पुलिस का निजाम है उसको ठीक करने की जरूरत है। और अभी भी जो हमारी इत्तलात के मुताबिक है कि वो FIR तो एहतजाज जब लोगों ने किया
टायर जलाए, काफी लोगों ने प्रोटेस्ट किया, और बड़ी अच्छी बात यह है कि इससे पहले भी वाकयात ये हो रहे थे लेकिन रिपोर्ट नहीं हो रहे थे, और अब कम से कम ये कसूर के वाकये के बाद अब शायद लोगों को ये इनकरेजमेंट मिल गई है कि ये वाकयात अब रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं। इसका मतलब है पुलिस परफॉर्मेंस तो जीरो है फिर। जब लोग इंतजार कर रहे हैं तो वो चीज रजिस्टर होनी शुरू हो गई है। इससे पहले जाहिर है कि लोग शर्मिंदगी से या किसी उस वजह से लोग जो है ना वो सामने नहीं आ पा रहे थे, तो ये चले एक अच्छा कल्चर डेवलप होने शुरू हो गया है। वाकया जब आपका पुलिस में रिपोर्ट हो जाती है, पर्चा कट जाता है, तो उसकी वेरिफिकेशन होती है हर 2 माह बाद 3 माह बाद आईजी इसको चेक करता है कि जो आपने रिपोर्ट की है, जो आपने पर्चा काटा है, इसका बताओ कि क्या किया, वो रिपोर्ट करनी होती है। तो इतना शुक्र करें कि हमारे मुल्क के अंदर थोड़ी सी कम से कम सब लोगों को अवेयरनेस आ गई है, चले आ गई है कि लोगों ने पहुंचना है, पर्चा कटवाना है, एहतजाज करें, धरने दें, जो मर्जी करें। अब फिर कहते हैं कि धरनों की हुकूमत की जा रही है, और धरने मुझे बताए एफआईआर काटते नहीं है ना, बात नहीं सुनी जाएगी, वो चीखेगा चलाएगा तो वो क्या करेगा, क्या करेगा? ठीक है, आज रौन वार साहब 2 दिन हो गए, एक देखे वो पुलिस वाला बंदा नहीं इनसे पकड़ा गया, चोर को क्या पकड़ना है, पुलिस वाला बंदा नहीं पहुंचे हुए थे, वो कराची में था, कराची में 2-3 दिन से ये पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसको बुला रहे हैं, वो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। ठीक है, वो कह रहा मेरी बात सुनने को तैयार नहीं, भाई तू किसी जगह पर जाएंगे, वो बुला रहे हैं आपको, जाएगा तो बात वो यहाँ से फरार हो रहे हैं, एयरपोर्ट से सुना है कि वो फरार होते हुए पकड़ा गया है, मुझे बताएं कि वो कराची से इस्लामाबाद कैसे पहुंचा। बिल्कुल, जब उसको कहा गया था कि वहां पर पेश हो गया, अपनी पेशी में बताओ, 16 बंदे उसके साथ थे, अब वो इस्लामाबाद कैसे पहुंचा, अब इस्लामाबाद से वो एयरपोर्ट पर पहुंच गया, एयरपोर्ट पर पहुंचा तो उन्होंने पकड़ लिया, तो इस्लामाबाद वो कैसे पहुंच गया। अब ये कानून बनाया जा रहा है कि कानून के मुताबिक लोगों को पकड़ा जाए, लेकिन उसमें ये चीज आ रही है कि ये है कि जो आपका मुल्जम है उसको भी लाजमी पकड़े, अगर कोई गवर्नमेंट की किसी नुमाइंदे ने अगर शरारत की है, कोई मसला मसाइल किया है, को कत्ल किया है, या फिर किसी को आपने नाजायज मारा है, पुलिस मुकाबले में मारा है, या आपने करप्शन की है, हर एक का ही एहतसाब शुरू हो गया है। उस दिन बात कर रहे थे ना चीफ जस्टिस साहब के, ये हमजा साहब के घर के सामने रुकावटें उठाने बैरिकेड्स उठाए और वो सारे, अभी उन्होंने कदम और उठा लिया, उन्होंने नवाज शरीफ साहब का भी कह दिया कि नवाज शरीफ के घर के सामने जो रुकावटें लगी गई हैं, लगाई गई, उनको भी उठाया जाए, और सारी उठानी चाहिए, सारी उठानी चाहिए, प्रोटोकॉल खत्म कर दें, देयर मस्ट बी जीरो प्रोटोकॉल। जो दीगर बिलावल भुट्टो साहब है उनके घर से भी उठानी चाहिए, और जितने भी ऐसे पॉलिटिशियंस हैं कि जिनके जिन्होंने इस तरह की चीजें जो हैं वो सिक्योरिटी बैरियर्स लगाए हुए हैं, उनको उठाना चाहिए। और सेकंडली जो कल भी बात हो रही थी कि ये कहते हैं कि जी हमें थ्रेट्स हैं, तो थ्रेट्स हैं तो भाई आप पुलिस को यूज ना करें, पुलिस आपकी जाती मुलाजिम नहीं है कि आपके साथ 100-100 पुलिस वाले या 200-200 या 500-500 पुलिस वाले आपके साथ चल रहे होंगे, आप अपने जाती सिक्योरिटी गार्ड रखें ना। आपको अगर इतना साहिब इस्तेआत आप हैं कि आपका इतना बड़ा घर है, आपको 200-300 मुलाजिम जो पर्सनल सिक्योरिटी रखें, आप गवर्नमेंट मशीनरी यूज ना करें, डिप्लॉय किए हुए हैं, तो आप भाई क्यों गवर्नमेंट की मशीनरी उसमें यूटिलाइज कर रहे हैं, आप अपने पैसों से रखें अपने गनमैन अपने गार्ड, आप अपनी चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आपको खतरा है आप अपनी रेजिडेंस चेंज कर लें, रेजिडेंस चेंज कर लें, बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि पुलिस आवाम की हिफाजत ना करे, और जो अक्सर वीआईपी रूट्स पे जनाब वो ड्यूटी दे रही होती है, अभी मतलब आप देखें कि अक्सर थानों में नफरी की कमी है, उसका रीजन क्या है कि अक्सर पुलिस जो है वो आपकी वीवीआईपी जो मूवमेंट है उस पर चल रही होती है, जिसकी वजह से ना तो बच्चे सेफ है, ना जो ये स्ट्रीट जो स्नैचिंग है ये कितनी ज्यादा हो रही है। आपने देखा पिछले हफ्ते पिंडी में वो जो एक लड़की ने आगे से रेजिस्ट किया, और हम सल्यूट करते हैं उस लड़की को जिसने आगे से इतना बहादुरी के साथ मारा पकड़ के, वो जो बैग छीन के भाग रहा था ना, बिल्कुल मारा पकड़ के उसको। देखिए अब आवाम ने खुद ही निकलना है ना, खुद आवाम, अब आवाम पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दे रही, फिर आवाम क्या करे। मसला ये है कि उसमें यही आ जाता है, कराची में पिछले दिनों वो पकड़ा है ना, जो एक दहशतगर्दी इस बंदे ने की है ना, लूटा जाके मार्केट में, उन्होंने एक को तो मार दिया है, अब आवाम ने तो मारना ही है, आवाम फिर मार ही देते हैं बंदे को, ये गलत बात है। वो इतना गमो गुस्सा है उनके अंदर कि जो हाथ लगे वो फिर मार ही देते हैं, जो पुलिस नहीं करती तो आवाम बेचारी फिर क्या करे। ठीक है ना, अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब जो हैं वो अच्छे कामों की तरफ उन्होंने कदम उठा लिया है, उनको उठाना चाहिए। ठीक है, नैब में केस खुल गए हैं, अब अंदाजा करें ना कि शुभाश्री साहब भी कल नैब में पेश हुए हैं और वापस आ गए, 1.5 घंटे की उनसे क्वेश्चन सेशन हुआ है। वो कहते हैं कि मुझे इन्होंने बुलाया तो मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया, वो भाई आपको बुलाया, आपसे सवाल पूछने के लिए बुलाया था, आपको पर्चा आप देने गए, वो पर्चा देने के लिए आपके पास आए हुए थे। ये तो सूरत हाल है हमारे मुल्क की कि हमें कानून की कदर करनी चाहिए, अदालतों की कदर करनी चाहिए, अदारों की कदर करनी चाहिए। हमारे साथ लाइन पे मौजूद है जस्टिस नासरा जावेद। अस्सलाम वालेकुम जी मैम, कैसी हैं, खैरियत से हैं आप? मैम खुशामदीद, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। मैम ये बताइएगा, ये जैनब केस का जो मर्डरर अभी गिरफ्तार हो गया है, आपके ख्याल में यूं नहीं होना चाहिए कि ये केस जरा जल्दी सॉल्व हो और इसको ऐसी सजा मिले कि बाकियों के लिए ये एक हो के आइंदा ऐसा अमल ना हो इस मोशरे में?
लेटर रोज होते हैं. अभी तो रात की खबर है कि 2 साल बच्ची को किसी ने कोठे पे छोड़ा, 2 मिनट के लिए माँ ने और वो कोई उठा के ले गया. तो ये एक दिन की बात, और कसूर में तो 300 बच्चों का वाकया हो चुका है, आज तक किसी को सजा नहीं मिली. ये तो सब कहने की बातें हैं. और ये जैनब केस में भी अभी तो मुबैना कातिल है ना जो पकड़ा गया है, पहले तो ये इतराफ करे किसी मैजिस्ट्रेट के सामने कि मैंने किया, और 6 और लोगों का भी. तो आप क्या समझती हैं कि इस सारे प्रोसेस को ट्रायल करते हुए कितना टाइम लगेगा? क्या ऐसा ही तो नहीं होगा कि कई साल गुजर जाएंगे और जो जैनब को है इंसाफ जो है वो लेने में शायद वेट करना पड़ेगा? ये तो टेररिज्म के आप जुमरे में आ जाती है, तो टेररिज्म का तो वक्त फक्स है कि इतने अरसे में उसके केस के हो जाना चाहिए, इसलिए ऐसा मसला कोई नहीं. लेकिन सबसे पहले ये इतराफ जुर्म करे और ये मैजिस्ट्रेट की अदालत में करे. ये तो देखे ना, पुलिस तो किसी को गधे को मार पीट के तो कलवा देती है कि मैं उल्लू हूँ, ठीक है ना. तो ये पहले तब पता लगेगा जिस जब तक वो अपनी कन्फेशन करेगा जुडिशियल, तो पता लगेगा कि वाकई ये है या नहीं. और फिर उसकी तफ्तीश में ये साबित होगा, DNA कह रहे हैं उसका मैच करता है, लेकिन ये भी फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से एक सिक्का बंद सर्टिफाइड रिजल्ट चाहिए. देखिए ना, इस वक्त तो क्योंकि पब्लिक में बहुत ज्यादा शोर शराबा और हंगामा हुआ है ना, तो उन्होंने फटाफट ये कह दिया कि जी हमने उसको पकड़ भी लिया है, उसने 6 ये वाकयात जो है, ये वाकयात रुक नहीं रहे बल्कि और ज्यादा बढ़ रहे हैं. परसों जो है रावलपिंडी में भी चौधरी निसार अली खान साहब के हलके में एक 15 साल बच्चे के साथ ज्यादा की गई. इसी तरह फैसलाबाद में हो चुकी है, बहुत सारी जगहों पे हो चुकी है. भाइयों की मौजूदगी में भाइयों ने उसमें रुकावट करने की कोशिश की है तो तशद्दद किया. ये कल का वाक्य जी. तो आपके ख्याल से क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और स्पेशली अदालती लेवल पे क्या प्रोएक्टिवली इसको करना चाहिए, किस तरह? सबसे पहले कानून में तब्दीली होनी चाहिए. और मैं तो बहुत जमाने से ये बात कर रही हूँ, दियत और किसास का जो कानून है ना, वो कहता है कि जिसके साथ कोई किसी किस्म का अमल हो, किसी का बाजू काट दे तो अगले का बाजू काटना बिल्कुल ठीक है, अगर साबित हो जाए. टांग है तो टांग काटे. अब सवाल ये, जो इस तरह का काम करता है और मारता है, ये 2 सजाएं उसको होनी चाहिए. एक तो जो कुछ उसने किया, जब अल्टरनेटिव नहीं ना होता ऑर्गन, तो जो नियरेस्ट उसका होता है उसको पहले रिमूव करना है. आप मेरी बात समझ रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल. ये कानून होना चाहिए. और एक मर्द के साथ ये होगा ना, सारे पाकिस्तान के मर्दों को कान हो जाएंगे, ये कभी नहीं इजाजत देंगे ये करने का. बिल्कुल. पहले तो ये कानून बने. सो पहले उसके साथ वो करे कि बदफेली किसी के साथ हो ही ना सके, उसका वो रिमूव करे. और दूसरी बात ये है कि फिर उसको हैंग करे. और देखिए, हम तो वैसे इसके खिलाफ हैं कि पनिशमेंट हो कैपिटल, लेकिन जिस तरह के आजकल वाकयात हो रहे हैं, इससे लोगों को करने के लिए चाको चौबंद ये जरूरी है कि इसको जो है. आप क्या समझती हैं, लोग एक साइड पे जो है वो ये भी डिमांड कर रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स में इस तरह के केसेस लेके जाए जाएं, आप क्या समझती हैं कि हमारी अदालतें जो हैं वो क्या इस लेवल पे डिसीजन दे सकेंगी कि कोई इनको कोई सवेर किस्म की पनिशमेंट हो? नहीं, देखें, पनिशमेंट तो जो लॉ अलाउ करता है वही हो सकता है. और ये जो पनिशमेंट मैं आपको कह रही हूँ, ये मैं 20 साल से कह रही हूँ, जब से ये दियत और किसास का कानून उसने इंट्रोड्यूस किया था अपना जियाउल हक ने, कि ये दियत और किसास में ये होना चाहिए कि कोई शख्स आदमी कोई ऐसा करे ना जुर्म का इर्तकाब और वो साबित हो जाए तो उस मुजरिम के साथ ये हो. और फिर अगर उसने मारा है, कत्ल का इकदाम है और ये टेररिज्म का केस है, उसमें कैपिटल पनिशमेंट भी होनी चाहिए. जो दूसरे केसेस में मैं समझती हूँ कि ये सजा मुनासिब नहीं है, क्योंकि एक ये जो है किसी की जान लेना, ये खुदा के उसमें इख्तियार में है. लेकिन मेरा सवाल होना चाहिए, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या हमारी अदालतें इतनी प्रोएक्टिवली काम कर रही हैं कि इस तरह के जो केसेस हैं उनको निपटाया जा सकेगा? बिल्कुल जी, एंटी टेररिस्ट कोर्ट को तो फौरन कर निपटा देना चाहिए. लेकिन वो हमने बनाया भी तो था ना कानून, जिस वक्त पुलिस को भी जो थे दहशतगर्द, वो दहशतगर्दी करते थे, जजों के साथ दहशतगर्दी करते थे, कि जी उसमें मिलिट्री कोर्ट शामिल हो, और रजा रबानी ने विरोध होके उसको पास कर दिया. अब वो लॉ खत्म हो गया था तो उसको हमने एक्सटेंड भी तो किया हुआ. ठीक है. दूसरी साइड पे, एक मेरा आपसे और जिम्नी सवाल है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, कि परसों आपने देखा होगा शहबाज शरीफ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस पे जस्टिस जावेद इकबाल साहब को उन्होंने डायरेक्टली क्रिटिसाइज भी किया, और उसके साथ साथ ये कहा कि मैं असल चेहरा नैब का सामने लेके आऊंगा, बेनकाब करूंगा. तो आपके ख्याल से क्या हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं वो अगर उनको अदालतें बुलाएंगी तो वो आगे से अगर इस तरह का रिस्पॉन्स देंगे तो कैसे इंसाफ का प्रोसेस होगा? धमकाने वाली बात है.
अगर कोई बात उनको उनके खिलाफ थी तो ये तो उनकी इमारत से बने हैं ना, क्योंकि ये तमाम पार्टीज के जो मेजर पार्टीज हैं उनके इकरार से बनते हैं ये पोस्ट फिल हो, तो खुद ही तो उन्होंने उनको अपॉइंट करवाया और अब खुद ही कहते हैं बेनकाब करेंगे, तो करें बेनकाब अगर कुछ करना है ना, अगर जो चीज जो है वो सच्चाई पे मबनी हो दैट इज नॉट कंटेम्प्ट, अगर सच्ची कोई बात है तो ले आए सामने मंजरे आम पे, हमें भी पता लगे क्या बात है, लेकिन इस जुमैनी गुफ्तगु करनी पब्लिक स्पीचेस में ये कोई अच्छी बात नहीं, ये तो धमकाने वाली बात है। इदारों पे एक क्रिटिसाइज किया जा रहा है और दूसरी साइड पे कल जब वो पेश हुए तो उसके बाद वापस आके उन्होंने कहा कि नैब के लोगों ने मेरे सवाल के जवाब नहीं दिए, हालांकि बुलाया शहबाज शरीफ साहब को था तो ऑब्वियसली सवाल तो नैब की तरफ से होने थे। यकीनन मैं तो ये कह रही हूँ ना कि जी खुद सारी इनकी अपॉइंटेड हैं ये लोग, इन्होंने हर जगह अपने फेवरेट रखे हुए, तो ये फिर कहना कि नैब के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो तो दम तोड़ गई सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पे आके, क्योंकि वो किसी को प्रोसिक्यूट ही नहीं था कर रहे, ये आपको याद है बात जी। और अब ये जो जावेद इकबाल साहब आए हैं ये इनकी माँ से आए हैं, तो फिर जो ही उनके बारे में कहना चाहते हैं अगर सच्चाई पे मबनी है तो कह दे। ठीक है नासिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का, ये इनकी बात को मैं जरूर सेकंड करूंगी कि आपके थोड़े से लॉ में कुछ अमेंडमेंट्स की बहुत जरूरत है ताकि जल्दी सजा हो और ऐसी सजा हो कि बाकी लोगों को ये हो कि आइंदा ये अमल सोसाइटी में ना हो। बिल्कुल ऐसा, और ये पूरे मुल्क में जो है पूरी दुनिया में हो रहा है, चाइना में ऐसे हुआ है, हर जगह ऐसे हुआ है कि उन्होंने उनको एक दिखाया सिंबॉलिक बना दिया कि आइंदा ऐसे ना हो। देखें जुडिशरी को इस वक्त बड़ा प्रोएक्टिव रोल प्ले करने की जरूरत है कि केसेस को एक तो जल्दी निपटाने की, ठीक है चीफ जस्टिस साहब अपनी तरफ से बड़ी कोशिश कर रहे हैं और तकरीबन हर चीज पे नोटिस ले रहे हैं, लेकिन दूसरी साइड पे एक बड़ा प्रोएक्टिवली रोल प्ले करने की जरूरत है जुडिशरी को भी, और स्पेशली एक ओवरसाइट का जो रोल है पुलिस की परफॉर्मेंस पे, क्या पुलिस जो है वो बेहतर तरीके से तफ्तीश करके अपनी प्रॉपर रिपोर्ट्स जो है वो सबमिट करवा रही है कि नहीं करवा रही, और उस दूसरी साइड पे जो हमारे लॉ मेकर्स हैं पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको स्पेशली इस पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है कि वो जो पुराने कानून बने हुए हैं हालात वक्त को और हालात को देखते हुए आपको कानून तब्दील करने होते हैं, ये किसी की इमा पे आप नहीं कर रहे होते, ये आपको हमें ब्रेक पे जाना पड़ेगा नाज़रीन, चलते हैं कुछ समय के ब्रेक पे, वापस आके बात करेंगे इन्फॉर्मेशन कमीशन के बारे में, भी लेते हैं ब्रेक।